अब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। थोर संत मोरिया गोसावी चिंचवड़ और मोरगांव के बीच अपनी यात्राओं के दौरान अक्सर चिंतामणि मंदिर आते थे। मोरिया गोसावी जी ने 42 दिनों तक कठोर व्रत का पालन करते हुए थेऊर में तपस्या की। इस अवधि के दौरान ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश ने मोरिया को एक बाघ के रूप में दर्शन दिए। तपस्या में विघ्न समझकर मोरिया गोसावी जी ने इस बाघ पर अपने कमंडलू से जल छिड़क कर उस बाघ को एक पत्थर की शिला में बदल दिया। इसके बाद श्री गणेश ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद और सिद्धि प्रदान की। जिस बाघ को शिला में बदल दिया वो व्याघ्र शिला आज भी मंदिर के पास ही मौजूद है, लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। स्थानीय लोगों से मार्गदर्शन लेकर इस व्याघ्र शिला को अवश्य भेंट दें। वैसे अगर आप मोरिया गोसावी का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो ये वही है जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति बाप्पा ने वरदान दिया कि गणपति बाप्पा के जय घोष में इनका नाम भी लिया जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं गणपति बाप्पा मोरिया। है ना इंटरेस्टिंग।